Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. Hello friends, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉमन रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए, इस वीडियो में भी मैं कॉमन रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने प्रॉब्लम को पहले पेपर पे लिखा है, प्रॉब्लम क्या है, इफ ए बी सी बी द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी and equations ax square plus bx plus c equals to 0 and 5x square plus 12x plus 13 equals to 0 have a common root, then find angle c. okay, abc are side of any triangle abc. okay, so first we stabilize the relation between the coefficient of a quadratic equation and this abc. okay, so let's see how do we solve. So given ax square plus bx plus c equals to 0 and 5x square plus 12x plus 13 equals to 0 have a common root. Have a common root. Okay, so let's check the discriminant of this quadratic equation. So d is equals to इस quadratic equation का हम discriminant check करेंगे. So d equals to b square, that is 12 square minus 4, a is 5 and c is 13. Okay, so 12 square is 144 minus this one is 20 into 13. So 144 minus 260 and this is 61 and 1. Okay, so minus of 116, that is less than 0, that means this quadratic equation has imaginary roots. This quadratic equation has imaginary root. In that case, the both quadratic equation has the same root, because I already told you jab कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमन रूट रखते हैं, अगर उसमें से एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी रूट रखता है तो दोनों रूट सेम रूट, दोनों रूट कॉमन रूट हो जाते हैं. ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे, सिंस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट, दैट इंप्लाइज बोथ इक्वेशन हैव both root common, both roots common. okay, this quadratic, दोनों quadratic equation अगर दोनों root common रखते हैं तो मैंने आपको बताया दोनों quadratic equation क्या होंगे, identical होंगे, उनके जो coefficients का ratio है वो same होगा. कैसे, that implies both quadratic equation are identical. That implies if they are identical, then A is to B is to C equals to what? 5 is to 12 is to 13. अगर हम ये ratio sign हटाते हैं तो क्या मिलेगा? A is equals to 5k, b is equals to 12k and c is equals to 13k. okay, तो हमने ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनमें रिलेशन निकाल लिया. okay, so रिलेशन क्या है, a is equals to 5k, b is equals to 12k and c is equals to 13k. now अब
चेक करते हैं। यहां पे हमने देखा क्या कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, बिकॉज सी 13 के स्क्वायर इज 169 के स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 के स्क्वायर एंड 25 के स्क्वायर, सो 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर, दैट मीन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दे आर फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब एनी ट्राइंगल फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं अगर ट्राइंगल का हम फिगर ड्रा करें तो दैट ट्राइंगल लुक लाइक दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, सो दिस इज स्मॉल सी, स्मॉल ए, दिस इज बी। ओके, सो क्वेश्चन वॉज वॉट इज द एंगल सी, सो easily we get that angle C is 90 degree, so angle C is 90 degree। तो जैसा कि हमने इस प्रॉब्लम में देखा कॉमन रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया, कॉमन रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद हमने पहले ट्रायंगल के साइड्स में रिलेशन निकाला और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने एंगल सी निकाल लिया। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप ऐसे रिलेटेड सोल्यूशंस, सॉरी कट क्या करूं, आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप ऐसे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।